Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमको पॉसिबली जो कि हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की टीम के ब्लड लाइन के मेंबर्स सैमी जेन और सोलो सिकोवा, क्या वो हमको पॉसिबली WWE में चैंपियंस बनते हुए देख सकते हैं। सो गाइज, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोग भी रोमन रेंस के बड़ा वाले फैन हो और टीम ब्लड लाइन के भी और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मिस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मैंने एक बात तो आपको बहुत ही पहले बोल दी थी कि जो कि हमारी WWE गाइस, उन्होंने अभी फिलहाल हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को उनका नंबर वन प्रायोरिटी रखा है। गाइस, WWE का अभी फिलहाल ये एम है कि वो रोमन रेंस के इस जनरेशन का सबसे बड़ा लेजेंड बनाने वाले हैं। इसलिए गाइस, WWE ने 3 साल से रोमन रेंस को एक भी लॉस नहीं दिया है और उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी रखी है। और इसके साथ गाइस, WWE का ये भी प्लान है कि वो रोमन रेंस को जॉन सीना के भी ऊपर लेवल लेके जाने वाली है। यानी गाइस, WWE को इतना बड़े बड़े प्लान है रोमन रेंस के लिए कि वो सोच रही है और रोमन रेंस को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के भी ऊपर लेके जाए। यानी गाइस, WWE भी सोच के ही रखी कि वो रोमन रेंस को ये एरा का सबसे बड़ा लेजेंड बनाने वाली है। और इसलिए गाइस, WWE का फिलहाल रोमन रेंस को उनका मेन फोकल पॉइंट रख गया है। लेकिन जो रोमन रेंस के साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो उनके टीम ब्लड लाइन को भी मिलते हैं। एग्जांपल के लिए उसोस को देखो गाइस, उसोस अभी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बन गए। गाइस, कहां पे एक साल पहले गाइस उसोस के पास कोई चैंपियनशिप नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रोमन रेंस को ज्वाइन किया वो अभी WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस बन गए। अभी सेम फायदा क्या हमारे सैमी जेन और सोलो सिकोवा को मिल सकता है जिन्होंने रिसेंटली द ब्लड लाइन ज्वाइन किए? गाइस, इसके आंसर से हां, गाइस हमको पॉसिबली इन द कमिंग फ्यूचर हमारे जो सोलो सिकोवा और सैमी जेन है गाइस, हमको पॉसिबली बनते हुए दिख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, नहीं तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। यानी गाइस, सैमी जेन पॉसिबली जीत सकते हैं US चैंपियनशिप और सोलो सिकोवा जीतते हुए दिख सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। क्योंकि रोमन रेंस के साथ यही बेनिफिट्स है कि अगर आप रोमन रेंस के साथ हो तो WWE को आपको भी अच्छा दिखाना पड़ेगा और आपको मिल जाएगी चैंपियनशिप। सेम उसोस के साथ हो, इसलिए पॉसिबली जो रोमन रेंस वाला फैक्टर है ये दोनों स्टार्स को भी मदद करने वाला है और ये लोग को भी इन द कमिंग फ्यूचर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मिलते हुए दिखने वाले हैं। और गाइज, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।